इसको टेस्टिंग कर लेती हूँ। ये देखो फिर से स्वागत है आप सभी को एक और नए ब्लॉग पे। पूरा सुबह से लेकर बिजी ही बिजी, एकदम बिजी शेड्यूल हो गया, तो फाइनली आज जो है सारे काम वगैरह कंप्लीट हो चुका है। हम लोग का खेत पर बहुत ही काम निकला हुआ है, इसलिए जो है सुबह से लेकर पूरा काम कर रहे हैं दीदी और मैं। तो अभी अभी नहा धो के एकदम फ्रेश हो चुके हैं मैं और लेमू जो है थोड़ा सा मार्केट जाने के लिए, क्योंकि मेरा जो घर का सामान वगैरह जो है थोड़ा खत्म हो चुका है और थोड़ा वो ब्यूटी प्रोडक्ट भी खत्म हो चुका है, तो वही खरीदने के लिए मैं जा रही हूँ कितने दिनों के बाद, क्योंकि आना जाना जो है थोड़ा कम हो गया मार्केट पे। तो अभी बस हम दोनों जाएंगे, ये एकदम हीरो बन चुका है मैडम जी। और इस बाइक का चाबी वो घर पे है, रूम पे बिना चाबी का जाएंगे। मैंने तो जूता भी पहन लिया, चलो हम खोल देगा। तो वैसे थोड़ा बैंक पर भी काम वगैरह है, तो अभी जाते हैं सीधा गुना नगर। अभी हम लोग सुपर मार्केट पे पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे आने के साथ साथ जो है देखते हैं और क्या क्या लेते हैं सामान वगैरह। तो बहुत सारे काम तो है वो कंप्लीट हो चुका है, इनका भी काम कंप्लीट हो गया। अभी बस यहाँ भैया का दुकान पे आ चुके हैं, थोड़ा सा यहाँ से सामान वगैरह देख लेते हैं। अभी यहाँ पर आए हैं हम लोग राहुल भैया का दुकान पे, तो यहाँ से जो है मैंने सारे सामान वगैरह ले लिया है। मेरा डेली यूज़ के लिए क्या क्या चाहिए है, साबुन और शैम्पू वगैरह ये सब है बस। तो अभी उनका शॉपिंग चल रहा है, मेरा वाला अलग है उसका अलग है। तो आज मैंने क्या क्या शॉपिंग कर लिया है यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सभी मेरा सामान वगैरह है। ये अकेले मैं यूज़ नहीं करती हूँ, साबुन वगैरह जो है हम सभी के लिए यहाँ पे सब एक पैकेट लेके आई हूँ। कॉटन वाट एंड यहाँ पर है नेल पॉलिश रिमूवर और एक तो नेल पॉलिश कॉटन और शैम्पू। और यहाँ पे मेरा पति ने मुझे बहुत सारे बिस्कुट वगैरह दिला दिया है। क्या क्या बिस्कुट है ये देखो, मैं खुद चूज चूज करके लेके आई हूँ, मुझे ऐसा बिस्कुट पसंद है। ये देखो मेरा फेवरेट है सब ये। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती, पूरा थक गई हूँ। तो घर पे पहुंच चुके हैं और घर आते ही जो है मैंने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर दिया है। तो अभी मैं थोड़ा मोड़ा काम करूंगी, तो उसके लिए जो है मैंने ड्रेस वगैरह को चेंज कर दिया, नहीं तो थोड़ा तकलीफ होता है ना, थोड़ा कंफर्टेबल वाला अच्छा लगता है। तो अभी जो है मेरा काम यहाँ पे जारी है, तो मैं अभी क्या बनाऊंगी ये देखो, यहाँ पे सूखा वाला बेर एकदम अच्छे तरीके से सूख गया है, तो इसको जो है मैं थोड़ा साफ सफाई कर रही हूँ। इसका जो डंडा वगैरह है यहाँ पे देखिए, ये वाला डंडा को जो है ऐसे फेंक के मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ, फिर उसके बाद जो है अच्छे तरीके से वॉश कर दूंगी। और मैं मार्केट से जो है यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ जैगरी, हाफ किलो लेके आई थी, तो पता नहीं शायद यहाँ बेर ज़्यादा है इसलिए नहीं हो पाएगा, नहीं जुड़ने से और भी लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेडी कर दिया है मीठा जीरा एंड यहाँ पे सूखा वाला मिर्चा एंड जैगरी। जैगरी को जो है कैसे वो बनाना पड़ता है, तो वो प्रोसेस जो है मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो इसमें और भी वो देना पड़ेगा मीठा तेल, यहाँ से मीठा तेल देना पड़ेगा, इसको भी यहाँ रख देती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना लैंग्वेज का गाना सुन सुन के जो है थोड़ा मोड़ा काम कर रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो थोड़ा सा बोरिंग लगती है ना ऐसे अकेले अकेले। तो दीदी भी गई है तेजू पर स्कूटी को सर्विसिंग करने के लिए, और मेरा पति अपना दुनिया में खो गया, क्योंकि वो जो है अपना फ़ोन पर बस इंग्लिश मूवी ही देखना पसंद करता है। तो अभी मैं यहाँ पर और भी मेरा काम बहुत बाकी है, अभी काम को जो है कम्प्लीट कर लेती हूँ यहाँ पर। मेरा टकलू डांस कर रहा है ये देखो। हो गया हो गया हो गया हो गया। हो गया भाई, ज्यादा ही डांस कर रहा है और बार बार पीछे से जो है मुझे दर्द, वो एकदम भूत की तरह ऐसे पकड़ रहा है पीछे पीछे में, पूरा दर्दती हूँ मैं, अचानक से पकड़ देता है ना। ब्लेडी
अभी बेर को जो है यहाँ पर थोड़ा सा पानी निकलने के लिए रख दिया है धूप में, तो अभी जो है इसका प्रोसेस वगैरह जो है रेडी होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने तकलू को दे दिया है ये आग जलाने के लिए, और मेरा ये वाला जो चूल्हा है एक टांग टूट गया था, ये देखो पता नहीं कैसे टूट गया, तो इसमें एक पत्थर देना पड़ता है, तो इसको बुलाया कि तुम ही रेडी कर दो, आग को तकलीफ होती है मुझे। चलो इतना अच्छा हो गया, आज पूरा काम कर रहा है। वाव, तकलू ने आग भी जला दिया है एकदम मस्त करके, ये देखो। अभी जो है इसमें एक वो कारपेट बिछा दूंगी बैठने के लिए, मुझे इतना छाया है। ये देखो ये वाला पेड़ जो है काट दिया था पिछले साल में, फिर भी अभी देखो लंबा होते जा रहे हैं, अच्छा है ना, इसमें छाया रहता है। और इसमें कुछ स्पेशल होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, क्योंकि जब मेरा बच्चा आ जाएगा उस टाइम पे मैं अच्छे तरीके से ब्लॉग बना नहीं पाऊंगा, उस टाइम पे थोड़ा सा ब्लॉग को जो है चेंज करना पड़ेगा मुझे। जेगरी को जो है मैंने गर्म पानी के साथ दे दिया है, अभी इसमें मैं दे रही हूँ सूखा वाला मिर्चा, थोड़ा सा अचार जो है स्पाइसी करके खाना चाहिए तो हो जाएगा, और इसमें अभी थोड़ा सा दे देती हूँ पानी के साथ मीठा जीरा, तो बाद में भी दे दूंगी, अभी सबसे पहले यहाँ पे दे देती हूँ हल्का सा, अभी नमक। अभी इसको जो है पिघलने के लिए रख देते हैं यहाँ पे, मिक्स कर करके रहना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों पानी जो है एकदम चेंज हो गया, अभी इसको थोड़ा सा ग्रेवी टाइप का करना पड़ेगा। ये देखो जेगरी जो है पिघल रही है, पानी पूरा काला हो गया ना, ये देखो अभी इसको ठीक से उबलना पड़ेगा, तो इंतजार करते हैं, और फिर उसके बाद जो है बेल को यहाँ गर्म पानी के साथ मिक्स कर।
अभी बेर को जो है पानी के साथ एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, तो इसको जो है थोड़ा सा उबलने के लिए और भी यहाँ ढक्कन को जो है ऐसे ढक के रखना पड़ेगा। फिर ऐसे 10-15 मिनट तक जो है हम लोग ऐसे इंतज़ार करेंगे, फिर उसके बाद बीच बीच में चेक करते रहना पड़ता है। और मैंने गलती कर दिया था, 1 kg लेके नहीं आया ना जैगरी, बस 1/2 kg लेके आई थी। ये देखो थोड़ा सा बचा हुआ है, पर बेर बहुत ही ज़्यादा बच गया, तो अभी इसको जो है और भी बनाना पड़ेगा, तो दुकान से जो है जैगरी खरीद के लाना पड़ेगा। तो तक लोगों को जो है मैं बेच दूँगी, क्योंकि इतना सारा बेर है, इतना मेहनत करके सुखाया है, थोड़ा सा तो बनता है पूरा बनाने के लिए। क्योंकि हम लोग का बीजू फेस्टिवल जो है अप्रैल महीना को आने वाला है, तो उसी टाइम पे पूरा ये आचार जो है कंप्लीट हो जाएगा। मेहमान वगैरह आते जाते हैं हम लोग का घर पे। यहाँ पर देखो पूरा ठीक से उबल रही है, ढक्कन को भी हटा दिया है क्योंकि पानी गिरते जा रहा है ना, उसके कारण ढक्कन को इसे खोल के रखेंगे, अभी ढक्कन नहीं देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और मिक्स कर लेती हूँ, क्या करने का मन कर रहा है, अभी गर्मा गर्म जीप जल जाएगा रे। मेरा लहसुन मेरा ATM का पिन कोड बता। अभी मस्त करके पकेगा। अभी लगभग जो है 90% हो चुका है, तो अभी इसका ऊपर में जो है मैं मीठा तेल दे दूंगी। ये देखो इसको देने के साथ फिर से और भी पकाना पड़ेगा। कच्चा देने से जो है थोड़ा सा इसका स्मेल जो है अजीब होके आता है, तो इसको ऐसे पानी के साथ जो है मिक्स करो, ये अपने आप पक जाएगा। गया है, अभी इसको ठंडा होने के लिए जो है यहीं पे रखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। ए गाबुच्चे क्या हुआ बेटा, चुप हो जा, दुश्मन देख लिया। यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ये देखो जूसी जूसी हो गया। ये देखिए दोस्तों एकदम जूसी जूसी हो चुका है, अभी इसको जो है ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो मैं कढ़ाई का यहाँ से जो है निकाल लेती हूँ, यहाँ पे रखूंगी। बहुत ही बढ़िया हो गया। ठंडा हो चुका है, अभी थोड़ा सा एक कप टेस्टिंग कर लेती हूँ। ये देखो एकदम 5-star खुद का बनाया हुआ 5-star। चलो अभी डालते हैं डिब्बे में, उसका धूप में भी सुखाना है ना। इसको फिर से बाद में बनाएंगे ना, फिर से बाद में बनाना पड़ेगा क्योंकि जैगरी खत्म हो चुका है, थोड़ा सा है, ये देखो इससे नहीं होगा, कल बनाएंगे ना। अभी देखो एकदम मस्त मस्त करके हम लोग जो है बीजू फेस्टिवल में खाएंगे। मुंह में पानी आ रहा है देखते ही, वाह आता है ना मुझे, आता है आता है जाता है, फूल हो जाएगा ना इसमें है बहुत ज्यादा, अभी अभी भी गर्म है। वाह हो गया, पूरा डाल दिया, पूरा हो गया, एक डिब्बा फूल नहीं हुआ है, कोई बात नहीं चल जाएगा। शाम को बनाऊंगी इसको, थोड़ा रात को बनाऊंगी।
हो गया ना अभी, एकदम मस्त हो गया ना, मिशन अकम्प्लिश। हाँ अभी धूप में सुखाना है बस। ये फिर क्या देख लिया, क्या देख लिया, जब भी कैमरा ऑन करता है ना, कैमरा ऑन करने का साथ साथ भोंकना शुरू। हाँ ये देखो, बेर का अचार, फर्मेंटेड लाई पत्ता, जलपाई अचार, ये देखो तीनों रेडी। अभी फिर से बनाना पड़ेगा, और मैंगो जब रेडी हो जाएंगे उस टाइम पे कच्चा वाला मैंगो का रेसिपी जो है मैं जरूर बनाऊंगी, है ना? यस। हाँ तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थक गई हूँ। तो बेर का अचार तो बना दिया है दोस्तों, अभी जो है वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को जो है आज का ब्लॉग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो जरूर से कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तो बाय बाय, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से। तो तब तक के लिए बस इतना ही, बाय बाय फिर से।